सामने आ रही है। तेलंगाना में बीआरएस से कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है, यानी कि कांग्रेस ने केसीआर की कार रोक दी है। कांग्रेस को तेलंगाना में अच्छे बहुमत के साथ आई है। चार राज्यों में, जहां तीन राज्यों में भाजपा अब तक के रुझानों में कांग्रेस से आगे है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने कमाल कर दिखाया है। तेलंगाना में कांग्रेस की ये बड़ी जीत देखने मिल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से तेलंगाना में बीआरएस से काफ़ी आगे कांग्रेस निकल चुकी है और कांग्रेस 65 सीटों से आगे निकली है। यानी कि तेलंगाना में जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार की सरकार है और जनता ने उसका जवाब भी दिया है, जनता ने कांग्रेस को पसंद किया है, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस को सत्ता में आएगी और अब तेलंगाना में बीआरएस से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी का आनंद उठा रहे हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि दूध अभिषेक किया जा रहा है यहाँ पर राहुल गांधी के पोस्टर पर, सोनिया गांधी के पोस्टर पर। और देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से ये तेलंगाना में कांग्रेस को 65 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है और केसीआर की पार्टी बीआरएस को 39 और बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती नज़र आ रही है। वहीं एमआईएम को 5 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस को जनता ने स्वीकारा है और अब तेलंगाना में राहुल गांधी ने अपना परचम लहरा दिया है।